से आपको दिखा देते हैं। इस वक्त टॉपर से मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री। ये देखिए तस्वीर, लखनऊ से सीएम आवास से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। विषय क्या क्या थे आपके? सामान्य हिंदी, कंप्यूटर, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, लखनऊ पब्लिक स्कूल जो है ये यूपी बोर्ड का है? जी, बी ब्लॉक, राजाजीपुरम। नमस्ते माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम स्वाति गोस्वामी है। मैंने बोर्ड्स में 93.8% प्राप्त किए हैं, जिसके साथ यूपी में मेरी 5th रैंक है और लखनऊ में 1st रैंक है। मैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज इंदिरा नगर की छात्रा हूँ। विषय क्या क्या थे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। नमस्ते माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम सदाक्षी वाजपेयी है। मैं एस पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। मेरे इस बार बोर्ड में 88.20% मार्क्स हैं। बहुत सुंदर। विषय क्या क्या रहे हैं आपके? सो मेरे सामान हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अच्छा, बहुत सुंदर। तो इंटर पास हो गई हैं? जी सर। विषय लगती नहीं है, ऐसे लगते हो जैसे 8th में पढ़ती हो, हैं? ठीक है, बहुत सुंदर, धन्यवाद सर। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं देश भारती पब्लिक इंटर कॉलेज का छात्र हूँ और मैंने इसी वर्ष अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है। मेरे परसेंटेज रहे हैं 87.8%। और विषय क्या क्या? मेरे विषय रहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, हिंदी एंड इंग्लिश। बहुत सुंदर। नमस्ते सर, मेरा नाम शुभम यादव है, मैं कॉलविन तालुकेदार का छात्र हूँ और मेरी परसेंटेज 87.40 है। ठीक है, विषय क्या थे आपके? सर मेरे विषय सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, फिजिक्स और केमिस्ट्री थे। नमस्ते सीएम सर, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं लखनऊ पब्लिक स्कूल का छात्र हूँ और मेरे परसेंटेज 87.40। आपके क्या क्या विषय थे? सर मेरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर और सामान्य हिंदी। थैंक यू। नमस्ते सर, मेरा नाम अनुष्का द्विवेदी है, मैं LPS लखनऊ पब्लिक स्कूल कॉलेज से आई हूँ और मेरा परसेंटेज 89.40। सब्जेक्ट क्या क्या थे? सर सामान्य हिंदी, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ये सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के ही बच्चे सब आए हैं क्या? हर एक उसमें क्यों, कौन कौन स्कूल के प्रधानाचार्यगण कौन कौन हैं, किस किस से हैं, एक एक करके उनको थोड़ा दीजिए पहले। प्रणाम माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ज्ञानेंद्र कुमार, प्रिंसिपल लखनऊ पब्लिक कॉलेज, बी ब्लॉक, राजाजीपुरम, लखनऊ। कितने बच्चे आपके यहाँ, कुछ लखनऊ पब्लिक स्कूल में कितने बच्चे थे जो बोर्ड की परीक्षा? सर क्लास 12th में 85 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे और क्लास 10th में 53। ठीक है, तो इसमें कोई स्टेट की मेरिट उसमें भी आए हैं क्या? सर स्टेट की मेरिट में नहीं, 10th मेरिट स्टेट की 10th तक घोषित हुई है, उसके बाद 11th पे हमारी बच्ची है। अच्छा, और ये डिस्ट्रिक्ट में 4 हमारे बच्चे उसमें हैं। 4 बच्चे जी। क्या उनके सब्जेक्ट रहे हैं? सर उनके सब्जेक्ट्स जो है सामान्य हिंदी, फिजिक, केमिस्ट्री, मैथ और ऑप्शनल में कंप्यूटर एंड इंग्लिश। तो सभी बच्चे जो आए हैं यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ कि सभी 10 के 10 बच्चे जो हैं सभी वही फिजिक, केमिस्ट्री और मैथ्स ग्रुप के ही सब हैं, किसी अन्य ग्रुप में कोई बच्चा नहीं आया? एक बच्चा शायद है। आपका क्या है? अच्छा, आपका जो है मानविकी है जी। ठीक है, और इनका बायोलॉजी है। सुंदर, ठीक। बाकी 8 बच्चे जो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से हैं, क्यों जी? सभी आप भी बायोलॉजी से हैं, ठीक है। तो क्या आप लोगों ने किया था स्पेशल, ऐसा क्या किया था? सर हम मेरे यहाँ स्पेशली हम लोग क्या करते हैं कि बच्चे जैसे फर्स्ट ईयर में उनका रिजल्ट आता है, उसके बाद हम देखते हैं कि कौन बच्चे हमारे मेरिट में आ सकते हैं या बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनको हम स्पेशल अटेंशन देते हैं। 1 घंटा जो रेगुलर क्लासेज होते हैं उससे 1 घंटा उनका अलग चलाते हैं। इसी तरीके से जो कमज़ोर बच्चे होते हैं कि बहुत वीक होते हैं,
उनका भी हम अलग से क्लासेस चलाते हैं। इसका कोई आपके पास कोई संस्था ने इस प्रकार का कोई मैकेनिज्म तैयार किया है कि आप हर एक बच्चे का मूल्यांकन कर सकें और फिर उसके अनुरूप कहाँ पे उसको मेहनत की आवश्यकता है इसके बारे में उनको अवगत करा सर सकें। बिल्कुल सर, हम लोग यही करते हैं कि जैसे फर्स्ट ईयर में हमने एग्ज़ाम लिया, उनका हाफ ईयरली हुआ, उसके बाद एनुअल हुआ, उसके बाद देखते हैं कि बच्चा चैप्टर उसमें पेपर वाइज कि बच्चा किस उसमें टॉपिक में कमज़ोर हो रहा है, कहाँ पे उसके मार्क्स जो है लैग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम टीचर्स को गाइड करते हैं। टीचर्स फिर उन बच्चों को उस पे फोकस करते हैं कि जिससे उनका वो वीक पॉइंट है वो कवर कर सके। ठीक है, आपके पास सभी विषयों से संबंधित शिक्षक सर सभी ट्रेंड टीचर हैं? ट्रेंड टीचर संख्या सर में कुल स्ट्रेंथ क्या है आपके सर? इस समय स्ट्रेंथ हमारी है 500। सर प्रणाम सर, मैं बाल निकुंज इंटर कॉलेज एचएन जायसवाल में प्रिंसिपल हूँ और लगभग मेरे पास इंटरमीडिएट इस बार 312 बच्चे सम्मिलित हुए और गत वर्ष में हमारे बच्चे जो है प्रदेश मेरिट में थे, इस वर्ष हमारे बच्चे 2 हैं मेरिट में। और जहाँ तक हम लोग शिक्षा जिले की मेरिट में होंगे ना, जिले की मेरिट में 2 हैं और गत वर्ष जो हमारे 2020 की जो मेरिट थी उसमें हमारा प्रदेश में तीसरा स्थान था। तस्वीरें लखनऊ से इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ पर सीएम योगी टॉपर्स से बातचीत कर रहे हैं और साथ ही जो स्कूल के प्रिंसिपल्स भी वहां पर मौजूद हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं शिक्षा को लेकर उनसे जान रहे हैं कि उनकी क्या स्ट्रेटेजी वो अपनाते हैं। जो छात्र थोड़ा वीक है किसी सब्जेक्ट को लेकर तो उसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं, इसको लेकर भी सीएम बात कर रहे हैं। बहरहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लिखें आगे चल करके आप सिविल सर्विस जाएं या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में जाएं तो जो आप विशेष लिखने का अभ्यास अभी से करेंगे तब आगे चल करके भी आप अच्छा काम करेंगे। ये हम प्रयास शुरू से ही करते हैं, अच्छा लिखने का प्रयास, शब्दों का चयन और प्रत्येक शब्द के बीच में दूरी होती है। आपके यहाँ पूरे फैकल्टी पूरी है, शिक्षक जी पूरे जी फैकल्टी पूरी है, हम लोग हर चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और भी कुछ चीज़ें। हम लोग कितने बच्चे हैं जो नियमित रूप से लाइब्रेरी में जाते हैं? लाइब्रेरी में सर जाते हैं बच्चे, विद्यालय की अपनी लाइब्रेरी है? लाइब्रेरी सर है और बच्चे लाइब्रेरी को कम पसंद करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं खेलकूद की ओर। खेल कूद तो अच्छी बात है जी जी, लेकिन सवाल ये कि नियमित रूप से देखिए हर एक चीज़ का अपना समय होता है जी, ऐसा तो है नहीं कि जब सोने का समय हो तब व्यक्ति जो है खेलने के लिए जा रहा हो जी। खेलने का अपना समय होता है, पढ़ाई करने का अपना समय होता है, विद्यालय का अपना समय होता है, खाने का अपना समय होता है, सोने का अपना समय होता है, हर एक का अपना समय टाइम टेबल इसीलिए हर व्यक्ति के जीवन में बंधा होता है जी जी। और वही टाइम टेबल ही उसके अनुशासन का प्रतीक होता है जी। ऐसे ही खेलकूद के साथ साथ लाइब्रेरी भी उतनी महत्वपूर्ण है जी। और लाइब्रेरी में जा करके देखिए होता क्या है, अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे संस्थान अपने यहाँ बच्चों को नोट्स बना के दे देते हैं जी, उसके विस्तार में जाने का प्रयास नहीं करते सर। इस पर हमने काम किया है, जो आपने बात कही है हम लोगों ने ये किया है इस पर कि तीन प्रकार के हमारे प्रश्न होते हैं, एक दीर्घोत्तरी, एक मध्यम और एक जो है बहुविकल्पीय। तो हमने उसको कहा है कि आप जो छोटे क्वेश्चन हैं उनका आंसर खुद लिखिए, जो बड़े दीर्घोत्तरी क्वेश्चन हैं, जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको हमारे टीचर्स खुद लिखवाते हैं और ये बच्चों से कह रहे हैं कि आपके प्रश्न को उत्तर को आप पढ़िए और आपके प्रश्न को उत्तर ये पढ़ें, ताकि एक दूसरे के विचार को आप जान सकें कि वो क्या लिख रहे हैं और आप क्या लिख रहे हैं, आपने कितने स्तर का लिखा और आपने कितने स्तर का लिखा। इस प्रकार का हम लोग ट्रायंगुलर जो है व्यवस्था बना रहे हैं ताकि हर बच्चा एक दूसरे लिख से। ठीक है, धन्यवाद जी, थैंक यू। इसमें गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से कोई है? गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से कोई नहीं। प्रणाम सर, मैं नीरज शुक्ला सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज लखनऊ से। हमारे 2 बच्चे लखनऊ की मेरिट में हैं, एक बच्चा यूपी मेरिट में है, वो 5वां स्थान प्राप्त हुआ। यूपी मेरिट में जो आए हैं वो कौन हैं? आप हैं? ठीक है, और बाकी 2 बच्चे जिले के उसमें हैं? नहीं, ये एक और दोनों बच्चियां जो हैं उसमें आ गए। ठीक है,
क्या कितने बच्चे हैं विद्या मंदिर के उसमें? ठीक है, कुल स्ट्रेंथ क्या है वहाँ पे छात्रों की, छात्र छात्राओं की? 530 कुल है। कहाँ से? पहली से लेके बारहवीं तक? नर्सरी से लेकर के वहाँ तक। क्या आप लोग स्पेशल लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे? बोर्ड की तैयारी के लिए हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट लेते हैं। चैप्टर हो जाता है तो अच्छा टेस्ट लेते हैं। कोर्स कोशिश करते हैं कि जल्दी खत्म हो जाए सब दिसंबर में, उसके बाद में हर चैप्टर का एक बार रिविजन फिर उसका टेस्ट। और साल भर में 5 एग्जाम लेते हैं, आभारी एनुअल टेस्ट, यूनिट टेस्ट 3 लेते हैं। उसके आधार पर बहुत बच्चा जिस कहाँ पर कमजोर होना है तो उसके हिसाब से तैयारी करके शेड्यूल बनाते हैं। संस्थान अपने वर्ष भर का टाइम टेबल तो बनाते होंगे ना पाठ्यक्रमों का, कि जिससे एक निश्चित समय सीमा के अंदर पूरा पाठ्यक्रम आपका पूरा हो सके, और उस समय सीमा के अंदर अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद फिर जहाँ पे कमी रह जाती है उस कमी को दूर करने के लिए कुछ स्पेशल क्लासेज आप चलाते हैं? और वहाँ पे थोड़ी सुविधाओं का अभाव है जिसके कारण बच्चे काफ़ी दूर दूर से हमारे आते हैं, एक एक दो दो घंटे उनको लग जाते हैं आने में, लेकिन उसके बावजूद भी हम बहुत प्रयास करते हैं कि हम फर्स्ट टाइम इस बार हमारा विद्यालय वहाँ पे सर लगभग 945। अच्छा जी, तो आपके पास शिक्षक पूरे हैं गाँव में? जी सर। सर थोड़ी टीचर्स मिलने में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन हम लोग कोशिश का उपयोग क्यों नहीं करते हैं आप? जी सर, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, अब तो बच्चों की क्लास भी चल सकती है। थोड़ी सी प्रॉब्लम है गांव एरिया, उनके नेट प्रॉब्लम रहती है बच्चों को। दूरदर्शन भी और अन्य उसमें भी कुछ पाठ्यक्रम से जुड़े हुए कार्यक्रम आते हैं, उसको भी हमें देखना चाहिए। हाँ सर, वो सब बच्चों को हम लोग टाइम टू टाइम बच्चों की क्लास भी चल सकती है, अच्छे टीचर कहीं है तो वहाँ से भी हम जोड़ करके स्मार्ट क्लास के माध्यम से उसको हम वो कर सकते हैं। पूरा प्रयास करते हैं हम, एक्स्ट्रा क्लासेस, सर संडे है, छुट्टी का दिन है, उस दिन भी हम बच्चों को बुलवाते हैं, कन्वेंस प्रोवाइड करते हैं, और उनको जो भी बेटर देना चाहते हैं सर हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बैठे, ये जो है और कोई बोलना चाहते हैं? आपको प्रणाम करता हूँ, वेद व्रत वाजपेयी कवि हूँ, आपसे पहले भी भेंट हो चुकी है, आपके एमपी कॉलेज में भी गया हूँ, और जो अटल फाउंडेशन का पहला कार्यक्रम था तो आपने मुझे अपना आशीर्वाद दिया था। मैं अंकित कुमार, हमारा स्टूडेंट है हमारे विद्यालय का, और मेहनत से पढ़ाते हैं बच्चों को। ये जो आपने सख्त व्यवस्था की है परीक्षाओं की, ये उसका परिणाम है कि कुछ अन्य स्कूल के छोटे स्कूलों के बच्चे भी मेरिट में आ सके हैं। मैं चाहता हूं कि इसको और पारदर्शी और सख्त बनाया जाए, और बच्चे लिख रहे हैं बहुत, कभी आपको अवसर मिले इनकी कापियां मंगा के देखिए, कंप्यूटर से सुंदर लिखते हैं। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने यहाँ इस सदन में सबको बुलाया, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी तो मैं केवल आपसे बात करूं, बच्चों से तो मैंने बात की ही नहीं, तो मैंने कल परिचय जी तो इनका हौसला बहुत बढ़ गया, आपके आपने यहाँ पर बुलाया इससे इनका बहुत मनोबल बहुत बढ़ गया है। हो सकता है ये कल भारत के चमकते स्टार बने और चमकते सूरज बने। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, इस सदन में जितने अधिकारी बैठे हैं सबको प्रणाम प्रस्तुत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। किसी अन्य प्रधानाचार्य, यहाँ पे गवर्नमेंट संस्था से जुड़ा हुआ कोई नहीं, गवर्नमेंट एडेड कोई कॉलेज से भी जुड़ा नहीं, अभिभावकों को किसी में किसी को कुछ बोलना है? हाँ बोलिए, अपना परिचय देते हुए। प्रणाम सर, मैं रविन्द्रनाथ यादव प्रज्ञा का पिता हूँ। मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हर अभिभावक को एक संदेश देना चाहता हूँ कि लोग लड़कियों के दहेज के लिए पैसे न बचाकर उनकी शिक्षा में पैसे लगाएं। सुंदर, धन्यवाद। कितने घंटे आपकी बिटिया पढ़ती है? घर पे घंटे तो कम पढ़ती है, बस स्कूल में जो पढ़ाया जाता, स्कूल में एबसेंट कभी नहीं होती,
ये इसकी खासियत है। तबीयत ख़राब हो तो दवा खा के स्कूल चली जाएगी। स्कूल में क्लास कभी नहीं छोड़ी है, रेगुलर रही है, 100% अटेंडेंस। घर में भी पढ़ाई का वातावरण बनाने की आवश्यकता जी, घर पे पूरा पढ़ाई का माहौल है। हमारी बड़ी बच्ची एमए कर रही है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, और उसी की वजह से इन दोनों लोगों को भी पूरा माहौल बना हुआ है। मैं अपनी ज़रूरतें भले कम कर लूँ, इन लोगों की काफ़ी किताबें कभी उधार नहीं करता, कभी उसमें देर नहीं करता लाने में। पढ़ाई से संबंधित इनकी जो भी ज़रूरतें हों, मैं किसी भी तरह से उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करता हूँ। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। किसी अन्य अभिभावक को? नमस्ते माननीय महोदय मुख्यमंत्री जी, मेरी बेटियां मेरिट में स्थान लाई है। मेरा मतलब बचपन से मेरा सपना था कि मैं एक मतलब टीचर बन सकूं, लेकिन मेरे मतलब माहौल ऐसा नहीं था और मैं उतनी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थी, तो मेरे पिताजी ने पढ़ाई छुड़वा दी। लेकिन मैं अपनी बिटिया को पढ़ा लिखा के मतलब अपने सपने इनके जरिए पूरा करना चाहती हूँ। और आपने जो ये मोदी जी ने जो योजना चलाई बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इससे मतलब बच्चे और प्रोत्साहित होगा, माँ बाप भी प्रोत्साहित हुए। और आपकी जो ये जो जब से सरकार आई है, तो एक तो हम अपने बालिकाओं को मतलब पहले डर लगता था कि घर से निकलते वक्त क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब एक से एक जो ये केसेस सुनाई देती थी, रेप केस हुआ ये हुआ। लेकिन अब हम लोग निश्चिंत होकर अपने बच्चों को मतलब लड़कियों को घर से बाहर निकल के कहते हैं जो बनना है तुम बनो पढ़ो, क्योंकि जो तुम लोग सुरक्षित हो। घर में भी उस प्रकार के वातावरण को देने की आवश्यकता है जी। और बहुत देखिए, घर के वातावरण का असर बच्चे पे स्कूल पे भी पड़ेगा, स्कूल के वातावरण का असर घर में पड़ेगा, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हम। केवल ऐसा ना हो कि स्कूल या कॉलेज जो है सारी जिम्मेदारी घर के ऊपर छोड़ दे और घर वाले अपनी सारी जिम्मेदारी स्कूल या कॉलेज के ऊपर सौंपते हैं जी। इसलिए सबको अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। अच्छा कर रही हैं आप, बहुत सुंदर। बैठिए। और किसी अन्य अभिभावक को कुछ बात करनी हो? नमस्ते, मैं दीपांशु की माँ महिला कांस्टेबल हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, मेरे परिवार में कोई सदस्य नहीं है, सबकी मृत हो गई है, अकेले मेरे बच्चे रहते हैं। पूरा पढ़ाई का पढ़ाई करवा रहे हैं ना जी। सुंदर, अच्छा काम कर रहे हैं आप, और सुंदर मेहनत से उनको पढ़ाइए जी। सब पढ़ रहे हैं ठीक है। बच्चे ने जब अच्छा अंक प्राप्त किया जिले में, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा होगा ना, अपनी मेहनत में खुशी हुई होगी ना जी। मेहनत उन्होंने किया है, लेकिन उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन है जी सर, कि आपने उस प्रकार का वातावरण दिया जी। तो आपको भी अंतःकरण से खुशी हुई होगी जी सर, बहुत। देखिए अच्छा अंक बच्चे ने प्राप्त किया कि बच्चे अकेले ही घर पे रहते, मेरी पोस्टिंग रायबरेली में है। ठीक है, बच्चे अकेले रहकर ही मैनेज करते हैं। ठीक है, सुंदर, बहुत अच्छा, थैंक यू। किसी अन्य अभिभावक को कुछ बोलना हो? मुझे एक बात बताओ, ये जो बच्चे हैं यहाँ पे 10, इसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो नियमित रूप से लाइब्रेरी जाते हैं, अपने स्कूल की लाइब्रेरी में या कहीं पब्लिक लाइब्रेरी होगी वहां पे कितने बच्चे हैं? आप में से कोई नहीं जाता, लेकिन लाइब्रेरी जरूर जाया करिए। न्यूज़पेपर आप में से कितने लोग पढ़ते हैं नियमित? कितने न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? एक पढ़ते हैं, केवल ऊपर ऊपर देख लेते हैं या उस पूरी न्यूज को पढ़ते हैं? अपने से रिलेटेड न्यूज को ही नहीं, पूरी न्यूज को भी पढ़ना चाहिए। देखिए आवश्यक नहीं, बहुत बार होता क्या है कि ऊपर की जो बैनर न्यूज होता है या जो उसके ऊपर जो हेडिंग होती है, उसमें और अंदर की न्यूज में अंतर भी होता है। ठीक है, इसलिए पूरी न्यूज को पढ़ने की आदत बैठिए। दूसरा, हमारा प्रयास हो कि हर न्यूज पेपर को हम देखें और उसका जो एडिटोरियल पेज होता है, संपादकीय पृष्ठ जो होता है, वो बहुत सारी जानकारियों का खजाना होता है।
बहुत सारी जानकारियां उसमें आपको मिलेंगी, देश की, दुनिया की। हमें न्यूज के साथ साथ एडिटोरियल पेज पर देश के प्रतिष्ठित चिंतकों, लेखकों और विद्वानों और राजनेताओं के आलेख आते हैं, उनके आर्टिकल्स होते हैं, उनके व्यूज होते हैं, देश की समसामयिक घटनाओं को लेकर के, देश के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के। उसे हमें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आपके जनरल नॉलेज के लिए बहुत उपयोगी होगा वो। न्यूज़पेपर जरूर आपको देखना चाहिए, आपको हमेशा अपडेट करेगा वो। अभी आप इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किए हैं, इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद आपको अब अपने ग्रेजुएशन में आप प्रवेश कर गए, अब इसके बाद आप अपनी कंपटीशन की तैयारी करेंगे। अगर आप अपने को अपडेट नहीं रखेंगे तो कंपटीशन आपके लिए बहुत टफ हो जाएगा। अभी से अपने आप को तैयार, अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के अलावा देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, इन सब की जानकारी भी रखने की आवश्यकता है। न्यूज़पेपर भी नियमित रूप से पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। क्या करने जा रहे हैं, एक एक करके मुझे बताओ, आप इसके बाद क्या करने जा रही हैं? सर, अभी मैंने जेईई का फॉर्म भरा है, करेंगे ग्रेजुएशन। अभी आपने आईआईटी जेईई के बारे में? जी सर। उसी के बारे में आप ही, आपने उसके टेस्ट में बैठी नहीं थी? नहीं सर, सर अभी इस बार बैठेंगे। 28 इस बार बैठेंगे। जी सर। अच्छा, तैयारी है? जी सर। पास हो जाएंगे? ठीक है, बहुत सुंदर। हाँ, एकदम कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं पास हो जाऊंगी। जी सर। ठीक है ना, तो तैयारी करके उसमें बैठिए और उस हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आप क्या करने जा रहे हैं? सर, आईआईटी में जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बैठ करके बोल सकते हैं सही बच्चे। सर, आईआईटी में जाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं? यस सर। कब आपका टेस्ट है? सर, अभी इस साल के लिए तो एम नहीं कर रहे, पर अगले साल के लिए। इस बार तो 26 को है, 26 जून। तो आपने इस बार नहीं भरा? भरा है सर, पर अगले साल के लिए मेरा एम है। अच्छा, ठीक है। इधर सर, जेईई आईआईटी। आप भी सब उसी की तैयारी कर रहे हैं? यस सर। इस बार बैठेंगे टेस्ट? यस सर, सर पहला अटेम्प्ट। तैयारी है? यस सर। कहाँ से तैयारी की आपने? सर, स्कूल से ही और ऑनलाइन से। अच्छा, आपको मालूम है कि राज्य सरकार भी इसके लिए कुछ कार्यक्रम चला रही है? यस सर, अभ्युदय योजना। अभ्युदय योजना है? यस सर। आपने अटेंड किया? नहीं सर। इसमें वर्चुअली या फिजिकली नहीं किया? नहीं सर। आप में से कितने बच्चों ने अभ्युदय योजना के बारे में सुना है? आप लोग उनकी क्लास को कभी अटेंड किए हैं? वर्चुअली भी नहीं किए? आप भी नहीं किए? नहीं सर। ठीक है, करना चाहिए। सर, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, आईएएस बनना चाहता हूँ। तो इस समय क्या करेंगे? सर, अभी तो ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया है एलयू में, लेकिन नियमित रूप से अब लाइब्रेरी भी ज्वाइन करने वाले थे हम, अभी करेंगे कुछ टाइम पे, पब्लिक लाइब्रेरी ही है। अभी तक तो नहीं किया था? अभी तक नहीं किया था, सोचे थे सर एक बार इंटर क्रॉस हो जाए अच्छे से पढ़ाई, देन तो फिर लाइब्रेरी करनी है। अच्छा, नियमित रूप से जाना चाहिए लाइब्रेरी? सर जाएंगे बिल्कुल। न्यूज़पेपर नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, लाइब्रेरी नियमित रूप से, बहुत जरूरी होता है ये तो। अपने को तैयार हमेशा अपडेट रखना होगा, तभी जाके कर पाएंगे। अभ्युदय कोचिंग की बात सुनी? सर अभी तो नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने हर स्तर के बच्चों के लिए, जैसे जो एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, नीट की तैयारी करना चाहते हैं, या आईआईटी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी या किसी भी केंद्रीय सेवा के लिए या राज्य सरकार के सेवा की तैयारी के लिए जो बच्चे कोचिंग करते थे, बहुत सारी जगह कोचिंग की फीस बहुत महंगी होती थी, हर बच्चा उसको वहन नहीं कर सकता था, उसके लिए राज्य सरकार ने प्रारंभ की है ये व्यवस्था अभ्युदय कोचिंग की। और अभ्युदय कोचिंग में सबसे बड़ी बात क्या है, इसको वे लोग इसका संचालन कर रहे हैं जो उस कंपटीशन को पहले पास कर चुके हैं। जैसे
जिले के अंदर जितने भी हमारे नए आईएएस चुन करके गए हैं वे आज वहाँ पर जनपद के अंदर अपनी सेवा दे रहे हैं, तो उस जिले में वह इसके साथ जुड़े हुए हैं। एक घंटे का समय वे भी निकालते हैं, जो आईपीएस गए हैं वे भी करते हैं, पीसीएस से जो आए हैं वे भी इस बात को उस क्लास को वहाँ पर लेते हैं, पीपीएस के जो अधिकारी हैं वे करते हैं, जो डॉक्टर आए हैं वे डॉक्टर वे लोग भी नीट के बारे में क्या तैयारी होनी चाहिए उसके बारे में बताते हैं। हमारे जो इंजीनियर आए हैं बहुत सारे उसमें ऐसे हैं जो आईआईटीएन हैं, वे लोग आईआईटी जेई के बारे में बताते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो वर्चुअल क्लासेज होती है उसको तो कोई भी देख सकता है, फिजिकल क्लासेज के लिए तो एक कंपटीशन हो रहा है उसके माध्यम से उन एक सीमित संख्या में उन छात्रों को उसमें बैठने की अनुमति है। वर्चुअल क्लास में तो कहीं से भी किसी क्लास को हम देख सकते हैं और उसमें बहुत अच्छी जानकारियां उसके माध्यम से प्राप्त होती हैं। हमें उसके तैयारी करने के लिए जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं और किस तरीके से हम उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं उसके बारे में वो बताते हैं। ठीक है सर, अभी तो मैं ग्रेजुएशन में बीएससी करूंगी और सर मेरा सपना प्रोफेसर बनना है। प्रोफेसर बनना है जी सर। सुंदर, शिक्षा के क्षेत्र में। और ये जो है एडमिशन कहाँ लिया है आपने? सर मैंने अभी एडमिशन लखनऊ से ही लिया है, फॉर्म फिल कर दिए हैं। यस सर, जमा कर लिया है। ठीक है, बहुत सुंदर। सर मुझे आगे बीएससी करना है, उसके बाद मुझे शिक्षा के क्षेत्र में जाना है। आप भी शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे? जी सर। सुंदर, अच्छा है, बहुत अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे लोगों को जाना चाहिए। एडमिशन ले लिया? अभी नहीं लिया, लेना है। अब लेना है। यस सर। समय पे आवेदन कर देना चाहिए। ठीक है। यस सर। ठीक सर, मैं जेई की तैयारी कर रही हूँ और इस साल मेरे को अटेम्प्ट देना है। अच्छा, इस बार बैठेंगे आप? कब है इसकी परीक्षा? सर 25 को। 25 को है आपका? ठीक है। आपने सुना इसका नाम जो मैंने अभ्युदय कोचिंग का नाम देखा, कोई क्लास अटेंड किया? नो सर, अभी नहीं गए। और वर्चुअली भी नहीं देखा आप लोगों ने? नो सर। ठीक, सुनना चाहिए, देखना चाहिए, सबकी जानकारी होनी चाहिए। सर मैं जेई 2023 दूंगा सर, इस बार मतलब अगले साल दूंगा। अगले साल देंगे? यस सर। तैयारी कर रहे हैं? यस सर, 1 जुलाई से मेरी ऑनलाइन क्लासेस है। ठीक है। आपने अभ्युदय कोचिंग को आपने भी नहीं अब तक अटेंड किया? नो सर, अटेंड मैंने नहीं किया सर, मेरी सिस्टर ने किया था सर, वो गए थे और एलयू में पढ़ने। सर मुझे बीए करना है, उसके लिए फॉर्म फिल कर दिया है। अच्छा, तो बीए करने के बाद क्या करना है फिर? फिर एमए करेंगे, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी। अच्छा, सुंदर, अभी से मानसिक रूप से तैयार है तो लाइब्रेरी जरूर जाया करिए। ठीक है। न्यूज़पेपर भी पढ़ा करिए। सर मुझे आईआईटी जेई का एग्जाम देना है, 24 को अभी होने वाला है। अच्छा, इसी 24 को है? यस सर। ठीक है, सुंदर है। अच्छा, आप में से एक बात बताओ, कल का दिन किस बात के लिए जाना जाता है? कल कोई घटना घटित हुई थी देश के अंदर, दुनिया के अंदर कुछ हुआ था कल? कलयुग दिवस था। अच्छा, कोई और किसी को जानकारी है? इंटरनेशनल योगा डे। हाँ वही योगा डे, वही योग दिवस ही है। हाँ वैसे बोल दीजिए। ठीक है, तो आप में से कितने लोग थे जो कल योग दिवस के कार्यक्रम में भाग लिए? नहीं, बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। कितने बच्चों ने योग दिवस के कार्यक्रम में भागीदार बने थे? देखिए, इतना बड़ा इवेंट था, दुनिया के 150 से ज्यादा देश इसमें भाग लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 करोड़ लोग योग दिवस के कार्यक्रम के साथ जुड़े और आप लोग अपने जनपद के 12वीं के यूपी बोर्ड के 12वीं के अपने जनपद के
मेरिटोरियस छात्र हैं, आपको तो और जाना चाहिए था। आपके गांव में, आपके नगर के पार्क में, हर सार्वजनिक स्थान पर यह कार्यक्रम हो रहा था। देखिए, योग यह कल प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुना आप लोगों ने, सुबह कितने बजे सो के उठते हैं, कितने बजे सो के उठते हैं जी, आप बताइए। हाँ, 7 बजे क्यों उठते हैं, जल्दी क्यों नहीं उठ जाते? 7 बजे, ठीक 7 बजे प्रधानमंत्री जी का इस समय संबोधन चल रहा था, दुनिया में 150 से अधिक देश सुन रहे थे। देखिए, समय पे जगने की आदत, समय पे सोने की आदत, जीवन में नियम और संयम जब भी रहेगा व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। पहली स्वास्थ्य की पहली आधारशिला है, जो स्वच्छता भी है ये भी उसी का पार्ट है। दूसरा, नियमित रूप से व्यक्ति को योगिक क्रियाओं का अभ्यास करना, इस शरीर को भी स्वस्थ रखेगा तो मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखेगा, यानी दोनों मन की भी और काया की भी स्वास्थ्य की शर्त है ये योगिक क्रियाएं। व्यक्ति का काम, केवल किसी छात्र का काम ये नहीं कि मैं केवल अपनी क्लास में इस बार अच्छे अंक प्राप्त कर लूं, एक लंबे समय तक देश की सेवा का एक जज्बा के साथ व्यक्ति को अपनी कार्य योजना बनानी चाहिए, और जब वो कार्य योजना इस रूप में आगे बढ़ाएगा तब वो आगे बढ़ सकता है। इसलिए समय पे जगना, समय पे सोना, समय पे अपना भोजन ग्रहण करना, ये सभी चीजें समय पे आप करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ पाएंगे। अगर व्यक्ति अनियमित दिनचर्या उसकी है तो बहुत शीघ्र और रुग्ण हो जाता, रोगी हो जाता है। उसके बाद रोगी काया से व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त कर नहीं पाने में बहुत उसको कठिनाई होती है, क्योंकि उसको पहले अपना उपचार कराना पड़ेगा। तो उस प्रकार की स्थितियां नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति को हमेशा अपने आप को तैयार रखना होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने, देखिए अभी जो उस बालिका की माँ बोल रही थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम के माध्यम से बेटियों की सुरक्षा और उसकी पढ़ाई के बारे में लोगों के मन में एक जागरूकता पैदा हुई, ऐसे ही स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से स्वच्छता के प्रति एहसास हुआ, हर व्यक्ति स्वच्छता के प्रति आग्रही बना। ये स्वच्छता एक व्यक्ति को एक स्वच्छ वातावरण तो मिला, आरोग्यता की स्थिति को भी प्राप्त करने का माध्यम भी मिला। जहां गंदगी होगी वहां बीमारी जरूर होगी, जहां स्वच्छता होगी वहां आरोग्यता भी होगी, तो यह भी हमें उसको ध्यान में रखना होगा। ऐसे ही अनेक कार्यक्रम हैं, कितने ऐसे विद्यालय हैं, मैं प्रधानाचार्यों से ही पूछना चाहूंगा, हमारे 10 अच्छे प्रधानाचार्य भी यहां पर आए हुए हैं, जो शासन की योजनाओं को अपने विद्यालयों में बच्चों को अवगत कराते हैं, कोई बताएंगे? क्या केंद्र और प्रदेश सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में आप बता पाएंगे जो छात्रों के हित में हो या युवाओं के हित में हो? आप बता दीजिए, कुछ बताएंगे आप, बताइए। हम लोग बच्चों को समय समय पर जो भी योजना, जैसे आपकी इंस्पायर अवार्ड है, हमारे पास गत वर्ष 143 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए थे, जो बोर्ड की परीक्षा में 1% सेलेक्ट होते हैं, वो हर बोर्ड में, चाहे ICSE हो, चाहे CBSE हो, चाहे UP बोर्ड हो, हमारे बच्चे इस बार 143 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। ऐसे ही इंस्पायर अवार्ड के अलावा हम लोगों के यहाँ एक हाई स्कूल लेवल पे भी इंस्पायर अवार्ड को लेकर के साइंस एग्जीबिशन होती है,
उसका भी हम लोग जो है बच्चों को अवगत कराते हैं। इसके अलावा अभी हम लोग जो कन्या सुकन्या योजना थी कक्षा 6 के बच्चों को, कक्षा 9 के बच्चों को, कक्षा 1 के बच्चों को, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, जी जी, योजना का पूरा नाम, योजना की पूरी जानकारी जी, उसमें भी हम लोगों ने बच्चों को अवगत कराया और बच्चों को उसमें ऐड भी कराया। तो ऐसे ही जो भी योजनाएं समय समय पर आती रहती हैं हम बच्चों को अवगत कराते हैं, उसमें बच्चों को जोड़ते भी हैं, केवल अवगत ही नहीं कराते हैं, जोड़ते भी हैं। देखिए आप बैठे हैं, अभ्युदय कोचिंग की जानकारी भी हर शिक्षण संस्थान को होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की जानकारी भी हर शिक्षण संस्थान को होनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम नाम भी पूरा याद होना चाहिए और कार्यक्रम की पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना क्या है, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है, ये डिजिटल इंडिया क्या है, इन सब की भी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर हमें इसकी जानकारी होगी तो हम अपने स्कूल में मॉर्निंग असेंबली में या क्लास में या कहीं भी किसी फंक्शन के दौरान बच्चों को उस योजना के बारे में 15 मिनट आधे घंटे का उनके बीच में एक टॉक दे सकते हैं, उसका एक प्रेजेंटेशन उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। बच्चों को इसके बारे में तय कर हमेशा उसको बता सकते हैं कि भारत सरकार ने योजना चलाई है, ये छात्रों के लिए इस प्रकार से उपयोगी है, युवाओं के लिए इस प्रकार से इसको उपयोगी होना है, इसमें आप इसकी प्रक्रिया ये है, उन सब के बारे में आप अवगत कराएंगे तो बच्चे हमेशा अपने आप को अपडेट रखेंगे। उससे समस्याएं कहां से शुरू होती हैं कि जिनके लिए योजना है उनको योजना के बारे में जानकारी नहीं होती है और अंततः छात्र अपना कोर्स पूरा करने के बाद भटकते रहते हैं। फिर शिक्षण संस्थाएं अपने आप को शासन की उन योजनाओं से जो छात्र छात्राओं और युवाओं के हित के लिए हों उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते। अगर आप अपने छात्र के सर्वांगीण विकास के बारे में सोच रहे हैं, ईमानदार हैं, तो हमेशा हमेशा हमें स्वयं भी न्यूज़पेपर भी देखना चाहिए। हर दिन न्यूज़पेपर में और चैनल में शासन की उन योजनाओं के बारे में जानकारी मिल जाती है। कोई योजना सरकार ने लागू की, आखिर जितनी भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का रहा हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का रहा हो, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना का रहा हो, आखिर ये सभी चीज तो जितनी भी योजनाएं रही होंगी कहीं ना कहीं मीडिया में आया होगा ना, चैनल में तो आया ही होगा, अगले दिन समाचार पत्रों में भी आया होगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने कॉलेज में समाचार पत्र मंगाएं, लाइब्रेरी में हिंदी इंग्लिश के एक एक समाचार पत्र तो कम से कम रखें और नियमित रूप से इसको देखें। समाचार पत्र बाद में जो महत्वपूर्ण योजना के बारे में उसकी कटिंग संभाल करके उसको रखें, उसका एक प्रेजेंटेशन तैयार करें और फिर बच्चों को बताएं ये स्कीम सरकार ने लागू की है, अच्छी स्कीम है, आपको लगता है कि छात्र छात्राओं के लिए अच्छी स्कीम है, हमें इसके लिए प्रधानमंत्री जी को या मुख्यमंत्री को इसके बारे में पोस्ट कार्ड लिखने चाहिए, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि योजना से ये लाभ होने जा रहा है, इसको हम लोग इस रूप में करने, ये योजना इस रूप में उपयोगी है, आपने ये योजना लागू की इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। देखिए जिससे शासन स्तर पर जानकारी मिलती है कि हाँ इन योजनाओं की जानकारी हमारे शिक्षण संस्थानों में भी है, उन चीजों के लिए हमें तैयार अपने आप को करना होगा। देखिए नोट्स बना करके मेरिट प्राप्त करने से महत्वपूर्ण है कि हम उसकी गहराई में जाने की आदत डालें कि वास्तव में
इन छात्रों की सामने चैलेंज क्या है और कैसे हम उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करके उसको आगे बढ़ाने की तैयारी करें। आपने प्रधानमंत्री जी ने एक परीक्षा से संबंधित बातें की थी मन के बात में, कितने छात्र छात्रों ने सुना था इसको, आप में से किसी ने सुना था प्रधानमंत्री जी की जो बातचीत हुई थी, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई थी उन्होंने। प्रधानमंत्री जी की पुस्तक इन सभी बच्चों तक पहुंचवाएंगे एक बार, सूचना विभाग उस पुस्तक को उपलब्ध करवाएंगे, उस पुस्तक को पढ़िए आप लोग थोड़ा, परीक्षा की जितनी भी चिंताएं उससे मुक्त आपको कर देगी।